राशवी, केवल इतना ही पकाया है, मिष्ठान नहीं बनाया आपने। क्षमा कीजिए वासुदेव, द्यूत सभा की घटनाओं के पश्चात हम सभी प्रतिदिन यही भोजन करते हैं। हस्तिनापुर के भाग्य जैसा कड़वे पत्ते और हमारी भावनाओं के भर सूखी रोटी। आपके लिए मिष्ठान बनाने की इच्छा थी, किंतु जीजी ने रोक लिया। ऐसा क्यों बुआ? मुझे तो मिष्ठान बहुत ही प्रिय है। कृष्ण, मेरी दृष्टि के सामने मुझे कुरुवंश का नाश होते दिखता है। एक मन कहता है कि इतना बड़ा विध्वंस उचित नहीं, दूसरा मन कहता है कि न्याय के लिए यदि समग्र विश्व भी जल जाए तब भी उचित है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है कृष्ण? सुख तो पहचानने की वस्तु है बुआ, प्राप्त करने की वस्तु नहीं। जो व्यक्ति वस्तु को सुख मानता है उसे वास्तविक सुख तो प्राप्त ही नहीं होता। जो सत्ता अथवा संपत्ति को सुख मानता है वो अवश्य अपने लिए विनाश को निमंत्रण देता है। समग्र कुरुवंश का विनाश अनिवार्य है, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने वास्तविक सुख के रहस्य को जाना ही नहीं और उनके पुत्रों ने भी सत्ता में, राज्य में और अहंकार की पुष्टि में ही सुख देखा। क्या सारे वंश का नाश हो जाएगा? किसी की रक्षा नहीं हो पाएगी वासुदेव? रक्षा अवश्य होगी माता पराशवी, धर्म और न्याय की रक्षा होगी। जो नाश के पात्र हैं उनका नाश होगा और जिनकी रक्षा करना आवश्यक है उनकी रक्षा होगी। इसीलिए मैंने कहा माता, सुख को जाना जाता है, ढूंढा नहीं जाता। लीजिए, अब मैं आपके हाथ के बने मिष्ठान का सुख प्राप्त करूंगा। राज्यसभा में सबको अपने मन की स्थिति के अनुसार ही स्वाद प्राप्त होगा।